कॉन्स्टेबल एग्जाम मध्य प्रदेश का जनवरी 2022 स्टार्ट हो चुका है और ये 8, 9, 10 जनवरी को जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 में, सारी शिफ्ट में उन क्वेश्चंस को मींस टॉपिक वाइज कह लो या सब्जेक्ट वाइज हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एमपी के क्वेश्चंस जो इकट्ठे हो पाए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा फोन से जानकारी लेकर के या इंटरनेट की सहायता से जो भी क्वेश्चंस का कलेक्शन हो पाया है जिन शिफ्ट्स में आए हैं, तो आज अभी इस वीडियो में मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो लोग देखे आए हैं एग्जाम वो भी देखें और जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। इस चीज से ये आइडिया लें कि किस फील्ड से एग्जाम में किस फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस जा रहा है, उनका नेचर क्या है क्वेश्चंस का, और साथ में ये क्वेश्चंस याद करने की कोशिश करें। स्टार्ट करते हैं हम 2022 मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आए हुए प्रश्न। सबसे पहले एमपी का पोर्शन मध्य प्रदेश का उठाते हैं जहां से क्वेश्चन है, इसके बाद साइंस और करेंट अफेयर्स और हिस्ट्री और उन सारे पोर्शंस को भी देख लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चंस इकट्ठे हो पाए हैं सारी जानकारियों के द्वारा जो लिखे हैं, इनको हम सोल्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं इन पर। तो एक क्वेश्चन था, ये 8, 9, 10 जनवरी को जो एग्जाम हुए हैं उनकी सारी शिफ्ट के सारे पेपर्स के एमपी के क्वेश्चंस हैं जो इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इंदौर में जन्मे किस लोकप्रिय मतलब किस लोकप्रिय गायक का जन्म हुआ था, गायक या गायिका उसका नाम क्या था इंदौर में जिसका जन्म हुआ, तो इसका जवाब सबको पता होगा क्या है, लता मंगेशकर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में भारत भवन कहां पर है, तो भारत भवन कहां पर है, भोपाल में है। थर्ड क्वेश्चन, बीना जो एक स्थान है, बीना बबीना, मध्य प्रदेश में बीना की प्रसिद्धि का क्या कारण है, तो बीना में क्या है, तेल रिफाइनरीज हैं, तेल शोधक संयंत्र जो कारखाने होते हैं उसके कारण। नेक्स्ट, मिंटो हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, मतलब मिंटो हॉल का नाम अभी बदला गया क्या कर दिया है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप कमेंट्स में डालेंगे और मैं लास्ट में इसको वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। कबरा की गुफाएं कहां पर है, कबरा की गुफाएं ये राजगढ़ जिला में है, मध्य प्रदेश का जो जिला है राजगढ़। इसको कैसे याद कराया था कि राज मतलब राजा या राज्य, किंगडम कोई एम्पायर, तो गढ़ होता है किसी राजा का, गढ़ होता है उस गढ़ को, वो उस राज्य को क्षेत्र को कवर कर लेता है, वो COVER कवर कर लेता है, तो कबरा की गुफाएं राजगढ़ में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का पहला SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र तो वो होता है, हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमिकल, और ये है एजुकेशनल, ये कहां पर है, ये पीथमपुर धार में है, पीथमपुर कहां पर है, धार जिला में है। तानसेन की समाधि कहां पर है, ये भिंड के पास में ही स्थान है, सब लोगों को पता होगा, ग्वालियर, और ग्वालियर का जो किला है, जो फोर्ट है, किला के इस डायरेक्शन में, बल्कि ऐसे कह लो हजीरा क्षेत्र कह लो, हजीरा क्षेत्र में ये तानसेन की समाधि है, और ये तानसेन की समाधि अकबर ने बनवाई थी, कब बनवाई थी, 1586 में बनवाई थी तानसेन की समाधि ग्वालियर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश उत्सव कहां मनाया जाता है, मध्य प्रदेश उत्सव भोपाल में मनाया जाता है। भूतों का मेला कहां लगता है, ये भूतों का मेला बैतूल जिला में एक गांव है, एक जगह है मलाजपुर, ये मलाजपुर में लगता है भूतों का मेला मध्य प्रदेश में। भोपाल गैस कांड से क्वेश्चन आया था, भोपाल गैस कांड कब हुआ था, तो ये मतलब ये जो क्वेश्चन है सारे पीएससी के स्टूडेंट्स भी जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको पीएससी प्रीलिम्स देना है, उसके बाद मेंस में जो 2-3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं बस उनकी डिटेल समझ लो, ये ऑब्जेक्टिव रूप में। अब जैसे मध्य प्रदेश, ये भोपाल गैस कांड है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एमपी एग्जाम्स के लिए, कब हुआ था और क्या गैस थी, कंपनी का क्या नाम था, सारी चीजें देख लेते हैं। भोपाल गैस कांड 2 से 3 दिसंबर दो रात को स्टार्ट हो गया था मिडनाइट में, और 3 दिसंबर तक गैस का रिसाव होता रहा था। 2-3 दिसंबर 1984 को इसमें गैस का रिसाव, किस गैस का रिसाव हुआ था, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था। उस कंपनी का जो प्रमुख था, जो चेयरमैन कह लो, CEO जेम्स एंडरसन नाम था, वो अमेरिका का था, जो कि रात में भगा दिया गया या भाग गया था इंडिया छोड़ करके, और ऑपरेशन फेट नाम का एक अभियान चलाया गया था, कैंपेन चलाई गई थी, एक ऑपरेशन मतलब इससे पीड़ित लोगों को सुरक्षा या मतलब उनकी भलाई के लिए, फॉर द वेलफेयर फॉर द शेप ऑफ द सफर्ड पीपल। अगला है, बाण सागर परियोजना किस नदी पर है, तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है, कहां पर है, सोन नदी पर है। अगला, सास बहू का मंदिर मध्य प्रदेश में कहां है, तो सास बहू का मंदिर
इस बिल्डिंग का, इमारत का सही नाम है सहस्त्र बाहु का मंदिर। सहस्त्र बाहु मतलब भुजाएं, सहस्त्र मतलब हजारों, हजारों भुजाएं, भुजाओं वाला मंदिर। तो सात बाहु का मंदिर कहां पर है? ग्वालियर में है। ग्वालियर में कहां पर है? किला पर है, किला के ऊपर है, फोर्ट पर। नेक्स्ट है हीरा खदान। हीरा खदान मध्य प्रदेश में कहां पर है? सबको पता है, वो एक गाना मैं अक्सर सुनाया था जब भी मैंने इसको पढ़ाया था आपको, कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। ठीक है, तो हीरा की खदान कहां पर है? पन्ना। और पन्ना में कहां पर है? पर्टिकुलरली उस जगह का नाम है मझगवां। उस खदान का, उस जगह का नाम है मझगवां। नेक्स्ट चंबल का उद्गम। चंबल नदी का उद्गम ओरिजिन कहां पर है? ये इंदौर के पास में महू है। महू के पास में जाना पाव की पहाड़ियां, जाना पाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहर। मेहर ये सतना जिला में है। मेहर वाली माता का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, सुना होगा सबने। तो मेहर जो है वो किस पर्वत पर, किस पहाड़ी पर है? तो ये त्रिकुटा, त्रिकुटा या त्रिकुटी पहाड़ी पर स्थित है मेहर वाली माता का मंदिर, और मेहर जो क्षेत्र है। नेक्स्ट काला ताजमहल, मतलब मध्य प्रदेश में काला ताजमहल क्या है, कहां है, ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ये 2021 के लास्ट में केबीसी में अमिताभ बच्चन जी के द्वारा भी पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का काला ताजमहल तो ये क्या है, कि मुगल सम्राट था औरंगजेब, औरंगजेब की पत्नी का नाम था राबिया उद्दौरानी। तो औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में, राबिया उद्दौरानी की याद में, शाहजहां की तरह ताजमहल बनाने का सोचा, डिसाइड किया, और ये बुरहानपुर में उसने ऐसी इमारत की परिकल्पना की और उसको स्टार्ट करवा दिया, उसका कंस्ट्रक्शन करवाना। तो पता चला कि ताजमहल जैसा तो नहीं बन पाया, इसलिए उसको उपाधि, टाइटल दे दिया गया, संज्ञा दे दी गई उसको, काला ताजमहल, ताजमहल की घटिया नकल या द्वितीय ताजमहल। तो ये कहां पर है? बुरहानपुर में है ये काला ताजमहल। नेक्स्ट, मंदसौर किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मालवा का पठा, मालवा पठा के अंतर्गत आता है ये मंदसौर आपका। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट उच्च न्यायालय की खंडपीठ से क्वेश्चन आया था। तो एमपी हाईकोर्ट का जो मेन है वो जबलपुर में है, और इसकी दो खंडपीठ, दो शाखाएं हैं, जो कि एक ग्वालियर में है और दूसरी इंदौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका गुफाएं, भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में रिसेंटली किसी एक एग्जाम में और आया है। भीमबेटका गुफाओं की खोज की थी आपके वाकड़कर जी ने, इनका नाम था श्री विष्णुधर वाकड़कर, इन्होंने खोज की थी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी जिला कौन सा है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन का सबसे लास्ट वाला जिला कौन सा है? जिस टाइप से हमने एक वो चतुर्भुज और वो बॉर्डर सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों ने पढ़े थे डायग्राम को, तो उसी प्रकार से इसका बना लेते हैं मध्य प्रदेश का। ये मध्य प्रदेश के सबसे उत्तर में, सबसे नॉर्थ में हो गया मुरैना, सबसे नॉर्थ में मुरैना हो गया, और सबसे लास्ट में हो गया ये बुरहानपुर, जो काला ताजमहल है, जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ असीरगढ़ है, जो अकबर की अंतिम विजय थी, असीरगढ़ का किला। तो सबसे दक्षिणी बुरहानपुर हो गया, सबसे उत्तरी मुरैना हो गया, और सबसे पूर्वी हो गया सिंगरौली। सबसे पूर्वी कौन सा हो गया? सिंगरौली। और सबसे पश्चिमी हो गया अलीराजपुर। ये मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला, चित्रगुप्त मंदिर मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो खजुराहो में है। ये खजुराहो तो बड़ा फेवरेट, प्रिय है एमपी एग्जाम्स के लिए, खजुराहो से रिलेटेड चंदेल शासक, कालिंजर, और ये खजुराहो के मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, इटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेली का मंदिर मध्य प्रदेश में कहां है? तेली का मंदिर मध्य प्रदेश में ग्वालियर है। ग्वालियर में कहां है? ग्वालियर के किला पर है, ग्वालियर के फोर्ट पर है। इसका नाम भी अपभ्रंश हो गया है, नाम बदल गया है। ये इसका रियल नेम है तेलंगाना का मंदिर। जो तेलंगाना शासक थे साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के, उन्होंने ग्वालियर के किला पर इस छोटी सी बिल्डिंग का, इस इमारत का निर्माण करवाया, और इसका रियल नाम था तेलंगाना का मंदिर। इस तेलंगाना के मंदिर, तेली के मंदिर की एक खास विशेषता है कि नॉर्थ इंडिया का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है, दिस इज दी ओनली टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया विच इज मेड, जो बना हुआ है इन द्रविड़ स्टाइल, द्रविड़ शैली में, मतलब स्थापत्य कला की जो शैलियां होती है, नागर शैली उत्तर भारत की और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की होती है। तो उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में एकमात्र ऐसी इमारत है जो द्रविड़ शैली में बनी हुई है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फूलबाग से जैसे ही किला गेट की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, किला दिखना स्टार्ट होता है, तो सबसे कॉर्नर पे इधर ये दिखाई पड़ता है, ये इमारत सहस्त्र बाहू का मंदिर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। चूलिया जल प्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। ये चंबल से ग्वालियर से ठीक ठाक क्वेश्चंस आए हैं इस बार, और एमपी के क्वेश्चंस का लेवल मतलब ठीक रहा है, सो रहा है, बहुत ज्यादा डीप में जाकर के बहुत ज्यादा हार्ड लेवल ऐसा कह सकते हैं नहीं रहा है। एमपी का पहला रेप्टाइल पार्क कहां पर स्थापित किया गया था? पन्ना में स्थापित किया गया था। बरमान मेला कहां पर लगता है? ये आपका बरमान मेला, अभी इसको बताते हैं। नेक्स्ट है आपका चीनी का कटोरा, मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है, अभी डिस्कस करेंगे लास्ट में। मोती महल कहां पर है? मोती महल भी ग्वालियर में है, और जहां पर गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह खुले हुए हैं इस इमारत में अभी वर्तमान में। जयविलास पैलेस कहां पर है? दिस बिल्डिंग इज रिलेटेड टू सिंधिया डायनेस्टी, सिंधिया राजघराने से संबंधित है, ये भी ग्वालियर में है। नेक्स्ट, उर्दू अकादमी कहां पर है मध्य प्रदेश में? भोपाल में है उर्दू अकादमी। नेक्स्ट, गोटमार का मेला मध्य प्रदेश में कहां पर लगता है? गोटमार का मेला मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में आयोजित होता है। ये एमपी के मेला और गायन वगैरह के मैंने वीडियो डाल रखे हैं एक दो, यदि टाइम मिले आप लोगों को तो उसको देखना, विजिट करना, वॉच करना उसको। नेक्स्ट अगला है, जागेश्वरी देवी या जोगेश्वरी देवी का मेला कहां? ये सारे मेला मैंने उसमें कोडिंग डिकोडिंग करके इजी मेथड से याद कराने की कोशिश की है पूरे तरीके से, तो उसको एक बार जरूर देखें पिछले वीडियोस को। तो जागेश्वरी देवी का मेला कहां लगता है? ये अशोक नगर में लगता है जागेश्वरी देवी का मेला। नेक्स्ट, मराठी अकादमी कहां पर है मध्य प्रदेश में? भोपाल में है। नेक्स्ट, मालवा उत्सव 2021 का आयोजन मध्य प्रदेश में कहां किया गया था? तो इंदौर में किया गया था इसका आयोजन 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल की लंबाई कितनी है? चंबल से दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान रखना चंबल के बारे में फैक्ट्स माइंड में होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से, किस नंबर की नदी है, जैसे एमपी की सबसे बड़ी नर्मदा, फिर चंबल, फिर सोन है ना, फिर ताप्ती, फिर बेतवा, ये पांच नदियां हैं, इनका क्रम है। याद करने का तरीका मैंने बताया था, नाच एसटी बेताब होकर नाच नर्मदा चंबल, एसटी सेलून ट्राइब्स मतलब एस से सोन, टी से ताप्ती, बेताब होकर बेताब से बेतवा, ये पांचों नदियों का क्रम है याद करने का। तो चंबल की लंबाई कितनी है? 1024 किलोमीटर, और जो एमपी की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है नर्मदा, उसकी है 1312 किलोमीटर, ठीक है, तीन स्टेट में जाती है वो नर्मदा। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, धान का कटोरा, एमपी का धान का कटोरा कहा जाता है बालाघाट को। अगला क्वेश्चन, लालबाग पैलेस कहां पर है? लालबाग पैलेस आपका इंदौर में है। और गोहर महल कहां पर है? गोहर महल बनवाया था कुदसिया बेगम ने, और ये गोहर महल आपका भोपाल में है। नेक्स्ट, चीनी का कटोरा, मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा कहा जाता है नरसिंहपुर को, ये ऊपर जो क्वेश्चन मैंने कहा था लास्ट में डिस्कस करेंगे वो है, चीनी का कटोरा नरसिंहपुर को कहा जाता है। तो ये अगला क्वेश्चन था, होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? होलकर वंश की स्थापना मल्हार राव होलकर ने की थी, मल्हार राव होलकर। तात्या टोपे की समाधि कहां पर है? तात्या टोपे जिन्होंने 1857 की क्रांति की लीडिंग की थी, शुरुआत इन्होंने कानपुर से, कानपुर में जो नाना साहेब क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, नाना साहेब के साथ में रहे, फिर वहां से ऐसे होते हुए झांसी और इधर ग्वालियर आते आते लक्ष्मीबाई के साथ में हो गए, ग्वालियर से फिर ये भागे अंग्रेजों के डर की वजह से, शिवपुरी में ग्वालियर में पकड़ लिया गया इनको गद्दारी की वजह से, और शिवपुरी में इनको फांसी दे दी गई तात्या टोपे को, ठीक है। एरर अभिलेख से क्वेश्चन आया था, एरर अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? सागर से प्राप्त हुआ था। और ये एरर अभिलेख के बारे में खास बात है कि भारत में सती प्रथा का पहला प्रमाण कहां से मिलता है? एरर अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट, काठी लोक नृत्य कहां का है? निमाड़ क्षेत्र का है काठी लोक नृत्य। और ये मिंटो हॉल जो मैंने अभी बोला था लास्ट में डिस्कस करेंगे, मिंटो हॉल का नया नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम पर रख दिया गया है, इसका नया नाम रख दिया है कुशाभाऊ ठाकरे हॉल। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? एमपी का लखनऊ सिवनी को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा और बरमान मेला, चीनी का कटोरा नरसिंहपुर को कहा जाता है, और बरमान मेला भी नरसिंहपुर में लगता है। ये सारे क्वेश्चन थे, ठीक है।